नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ऑल इन वन। दोस्तों, ऐसी खबर आ रही है कि यूसी ब्राउजर को भारत में बैन कर दिया जाएगा। क्या है आखिर इसका राज? दोस्तों, ये भारत के यूजर्स के डाटा को चोरी करके चाइनीज सर्वर पर ट्रांसफर कर देता है। जैसे ही आप अपने मोबाइल को ऑन करते हैं, आपका सारा डाटा चाइनीज सर्वर पर चला जाता है और आपके मोबाइल फोन की लोकेशन, मैसेज, कॉन्टेक्ट, जो कुछ भी मोबाइल में है, सब चीनी सर्वर पर चला जाता है। अर्थात ये डाटा को चोरी कर रहा है। इससे पहले भी, सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो ने 2015 में यूसी ब्राउजर को डाटा चोरी के मामले में पकड़ा था। इस बात की खबर जब हमारे सीनियर आईटी मिनिस्टर को लगी तो उन्होंने जांच के आदेश दिए और ये जांच का जिम्मा सीडे अर्थात सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटर हैदराबाद को दिया गया। यदि ये ब्राउजर चोरी करते हुए पाया गया तो इसको यहाँ पर बैन कर देंगे। दोस्तों, यह कार सीडे अर्थात सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटर हैदराबाद उनको दिया है, वह इसकी जांच कर रहे हैं। यदि एक भी आरोप जो लग रहा है वह सही पाया गया तो यूसी ब्राउजर भारत में बैन हो जाएगा। दोस्तों, यूसी ब्राउजर को हमारे सीनियर आईटी मिनिस्टर ने मेल भी किया जो इस ब्राउजर को ऑपरेट करते हैं उन लोगों को, क्या आप पे जो इल्ज़ाम लग रहा है इसके विषय में आप कोई सफाई देना चाहते हैं, तो उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। अब भारत सीधी कार्रवाई करेगा और यूसी ब्राउजर को भारत बैन कर देगा। ये दोस्तों, यूसी ब्राउजर के बारे में बताना चाहूँगा। यूसी ब्राउजर की भारत में 100 मिलियन यूजर्स हैं और गूगल क्रोम के बाद सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ब्राउजर यूसी ब्राउजर है। दोस्तों, इस ब्राउजर की 48.6% मार्केट पर कवर है। तो ये इतना बड़ा ब्राउजर है और ये चोर है। मेरी आपसे पर्सनली राय ये है कि आप इस ब्राउजर को यूज ना करें। मेरे चैनल को देखते रहिए ऑल इन वन बाय स्वर्गीय विजय साहू और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें।